शासन ने 222 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। मेरठ की बात करें तो नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, एडीएम ई, एडीएम एल ए, एमजीए सचिव, सिटी मजिस्ट्रेट ए सहित कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। नगर आयुक्त देवेंद्र सिंह कुशवाहा का तबादला सचिव बाम में सहायतित परियोजना विभाग में किया गया और मुजफ्फरनगर के एडीएमई मनोज कुमार चौहान को मेरठ का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। एडीएमई दिनेश चंद को सीडीओ अलीगढ़ के पद पर भेजा गया है, जबकि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के कुल सचिव सत्यप्रकाश पटेल को मेरठ का एडीएमई बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी चंदौली राजेंद्र सिंह को मेरठ का एडीएमएलए बनाया गया है। एमडीए सचिव अवनेश कुमार शर्मा को मुरादाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है और आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव राजकुमार को मेरठ विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। अपर नगर आयुक्त राम भरत तिवारी को रामपुर का अपर जिलाधिकारी न्यायिक बनाया गया है, जबकि एसडीएम हापुड़ पुष्पराज सिंह को नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह को उप संचालक चकबंदी गोरखपुर भेजा गया है, जबकि एसडीएम मथुरा मदनांतक प्रताप सिंह को मेरठ का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। सदर व्यापार मंडल का चुनाव 31 मई को होने जा रहा है और हर तरफ चुनाव की चर्चा चल रही है। सदर व्यापार मंडल के कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील दुआ ने व्यापारियों के साथ चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है और उन्हें व्यापारियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उधर इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने भी अपने 4 पर्यवेक्षक राजीव काले, संदीप रेवड़ी, आशु रस्तोगी और मनीष शर्मा को भेजा है। वहीं चुनाव अधिकारी नरेश सिंह ने चुनाव लड़ रहे व्यापारियों की बैठक ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि 45 व्यापारी सदर व्यापार मंडल के चुनाव में मैदान में हैं, जिसमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, प्रबंधक, संरक्षक, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, मंत्री सहित 24 सदस्य मंत्रिमंडल चुना जाएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील दुआ को जिस तरह से व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है, उससे ये साफ है कि उनकी राह फिर से आसान नजर आ रही है। बोर्ड में जरूरत होगी, हम सब लोग साथ खड़े हैं और साथ। व्यापारी एकता, जिंदाबाद व्यापारी। हम लोगों ने संपन्न कर दिया है, 500 रुपया सदर व्यापार मंडल की तरफ से संयुक्त व्यापार संघ में हम लोगों को कहा है। उस सुबेरे मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को सुभारती विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे और यहां जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही जनता को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताएंगे और सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से उठाया जा सकता है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे को लेकर रविवार को पुलिस और प्रशासन और बीजेपी के तमाम नेताओं ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। एसएसपी जे रविंद्र गौड़ ने पार्किंग स्थल और ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस कर्मियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस मौके पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से परतापुर हवाई पट्टी पर उतरेंगे, इसके बाद कार से सुभारती विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद नजर डालेंगे शहर की कुछ और खबरों पर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी हलचल।